हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूल रेटिंग। सो फर्स्ट थिंग विच वन नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्यूल रेटिंग क्या होती है। फ्यूल रेटिंग बेसिकली एक पैरामीटर होता है विच यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूल्स विच आर यूज इन डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में जो फ्यूल्स यूज होते हैं उनको हम किस तरह से रेटिंग करते हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो चीज़ें हैं, एक तो है ऑक्टेन नंबर और दूसरा है सीटे नंबर। ठीक है, एक ऑक्टेन नंबर है और दूसरा सीटे नंबर। ऑक्टेन नंबर को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर, वाइल इन ऑर्डर टू मेज़र द परफॉर्मेंस ऑफ डीजल इंजन वी डू यूज़ सीटे नंबर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आना चाहिए आपको, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजन के लिए, सीटे नंबर किसके लिए होता है, डीजल इंजन के लिए। आप ऑक्टेन नंबर समझते हैं, बेसिकली जो आइसो ऑक्टेन होता है उसकी जो रेटिंग होती है उसको मानते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसो ऑक्टेन का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है, C8 और H18। ठीक है, और एन हेप्टेन होता है, ये सबसे ख़राब फ्यूल माना जाता है किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए। तो इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 0। ठीक है, अब यदि कोई मिक्सचर है तो उसको आप दो टर्म्स में दिखा सकते हो, एक तो ये दिखा सकते हो मास के टर्म्स में, मास के परसेंटेज के टर्म्स में, दूसरा आप दिखा सकते हो वॉल्यूम के परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑक्टेन नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन विच गिव द सेम नॉकिंग प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ एक्चुअल फ्यूल। देखो इसको समझते हैं, सबसे पहले ऑक्टेन नंबर क्या शो कर रहा है, ऑक्टेन नंबर इज शोइंग द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, 70% मैंने आइसो ऑक्टेन लिया और 30% एन हेप्टेन लिया बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्यूल है 70% आइसो ऑक्टेन और 30% एन हेप्टेन, तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो ऑक्टेन नंबर कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, यदि मैं 60% आइसो ऑक्टेन लेता हूँ और 40% मैं लेता हूँ एन हेप्टेन, तो इस केस में जो उसका ऑक्टेन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये आप चीज़ समझ आते। अब हम ऑक्टेन नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, ऑक्टेन नंबर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कोई इंजन स्टैंडर्ड इंजन स्टैंडर्ड कंडीशन में रन हो रहा है और उसकी आपने नॉकिंग मेजर की, उस फ्यूल की आपने नॉकिंग मेजर किया और उसके बाद हमने क्या किया, एक फ्यूल का कॉम्बिनेशन आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन का कॉम्बिनेशन उस इंजन में डाला। मान लीजिए मैंने 70% आइसो ऑक्टेन और 30% एन हेप्टेन डाला और ये फ्यूल वही सेम नॉकिंग प्रोड्यूस करे जो कि पहले ऐसा इंजन में जो फ्यूल पेट्रोल डाला हुआ था वो नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये हो जाएगी उस फ्यूल की ऑक्टेन नंबर, ये क्या हो जाएगा, उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यही लिखा हुआ, परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन विच गिव्स सेम नॉकिंग प्रॉपर्टी, नॉकिंग का मतलब यहाँ पे एंटी नॉकिंग से, एज दैट ऑफ एक्चुअल। ठीक है, जो एक्चुअल फ्यूल आपका नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है उतनी नॉकिंग ये मिक्सचर प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वॉल्यूम होगा आइसो ऑक्टेन का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इंडिया में ज़्यादातर जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, 87। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है। इसमें दूसरी चीज़ है टेट्रा एथाइल लेड, जो फ्यूल होता है उसमें स्पेशली पेट्रोल है, तो पेट्रोल के केस में अर्लियर क्या करते थे हम, लेड मिलाते थे। लेड इसलिए मिलाते थे टू इम्प्रूव द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज। लेड से क्या होता था, जो फ्यूल होता था उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता था, एंटी नॉकिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती थी वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि लेड जब बर्न मतलब फ्यूल का कम्बशन होता है तो लेड के पार्टिकल्स एग्जॉस्ट के थ्रू एयर में चले जाते हैं, जब वो पार्टिकल्स एयर में चले जाते हैं तो जब ह्यूमन बींग्स उसको इनहेल करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मतलब दिल्ली में ये रिसर्च किया गया था कि जहाँ पे जो पेट्रोल इंजन चलते थे वहाँ के जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी साथ मेमोरी की प्रॉब्लम थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, और तो कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब ह्यूमन बींग्स लेड को इनहेल करते हैं। तो लेटर ऑन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया है। ठीक है, टेट्रा एथाइल लेड का मतलब है, इसलिए आप देखोगे पहले पेट्रोल पंप पे लेडेड पेट्रोल
मिलता था, लेकिन चूंकि आप बैन कर दिया है तो आप बहुत सारे पेट्रोल पंप पे ये लिखोगे अनलेडेड पेट्रोल, कहीं ये नहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल जरूर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। टेट्राइथाइल लेड का मतलब यहाँ से आपको समझ में आता है, टेट्रा का मतलब फूड, इथाइल इथेन मीथेन ये आपने पढ़ रखा होगा, तो मतलब लेड के एटम पे 4 इथाइल लगा दिया, एक इथाइल ये लगा दिया, एक इथाइल ये लगा दिया, एक इथाइल ये लगा दिया, एक इथाइल, तो ये हो गया आपका टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो ये आपको टेट्रा इथाइल लेड का फंक्शन समझ में आ गया, लेड क्यों मिलाते हैं वो समझ में आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं सीटे नंबर की, तो जैसे आपका ऑक्टेन नंबर था, ऑक्टेन नंबर आपने क्या किया था, आइसो ऑक्टेन लिया था और एन हेप्टेन लिया था। ठीक है, आइसो ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर था वो कितना था 100, और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना 0, फिर हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर भी हम दो कंपाउंड लेते हैं, एक है एन सी टेन जिसका आप ऑक्टेन नंबर कंसीडर करते हो 100, और दूसरा लेते हो अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, इसका जो सी टेन नंबर है वो 0 कंसीडर करते हो। ठीक है, आप केमिकल फार्मूला यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका जो सी टेन है इसका केमिकल फार्मूला C16H34, ऐसे ही इसका जो अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन है इसका फार्मूला क्या है C11H10। ठीक है, अब इसको जो डिफाइन करेंगे उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे हमने ऑक्टेन नंबर डिफाइन किया था। ऑक्टेन नंबर हमने किसके टर्म्स में डिफाइन किया था, परसेंटेज वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना, वहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम क्या था, किसका परसेंटेज वॉल्यूम था आइसो ऑक्टेन का, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम होगा एन सी टेन का। तो आप देख सकते हो परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ एन सी टेन, ठीक है, वहाँ पे मिक्सचर क्या किसका था, मैं इसलिए कंपेयर करता जा रहा हूँ जिससे आपको ध्यान लगे, वहाँ पे वॉल्यूम क्या था आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन का, यहाँ पे मिक्सचर किसका है एन सी टेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ एन सी टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन सी टेन एंड अल्फा मिथाइलिन। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60% मैंने सी टेन लिया और 40% आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन लिया, इसका मतलब इसका जो सी टेन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यदि मैं 70% एन सी टेन लेता हूँ और 30% अल्फा मिथाइल नेप्थलीन लेता हूँ तो उसका सी टेन नंबर कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ एन सी टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन सी टेन एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन दैट हैव द सेम एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ उसी में जब मैंने ऑक्टेन नंबर की बात की थी, सेम एंटी लॉकिंग प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ एक्चुअल फ्यूल ऑपरेटिंग इन स्टैंडर्ड इंजन इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपका इंजन कोई ऑपरेट हो रहा है, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, और उसमें कुछ नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही है। अब आपने क्या किया, उसमें एन सी टेन और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का मिक्सचर आपने डाल दिया। मान लीजिए वो मिक्सचर डाला आपने 70% एन सी टेन और 40% अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, तो ये मिक्सचर भी वही वही नोकिंग प्रोड्यूस कर रहा है जो कि एक्चुअल फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा था। इसका मतलब जो एक्चुअल फ्यूल होगा उसका सी टेन नंबर कितना हो जाएगा, उसका सी टेन नंबर हो जाएगा 70। ठीक है, इंडिया में जो जनरली हम फ्यूल यूज़ करते हैं, जो डीजल यूज़ करते हैं, उसका सी टेन नंबर लाई करता है बिटवीन 47 to 51। ठीक है, सो फ्रेंड दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।